Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. Thank you, धन्यवाद, please. अर्चना जी, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। आपने कभी जलपरी देखी है? नहीं, तूने देखी? नहीं, मैंने तो लाल परी देखी है। आप लोगों ने कभी जलपरी देखी है? आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अच्छा। क्योंकि एक बड़ा ही खूबसूरत गाना आया है, डांस मेरी रानी। और आज हमारे जो मेहमान है ये उसी गाने के स्टार्स हैं, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए गॉर्जियस नोरा फतेही और साथ में मेरा छोटा भाई गुरु रंधावा। जोरदार तालियां हो जाएं। आइए नोरा, गुरु आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। गुरु आप हमेशा की तरह बड़े हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू। और so आप भी हमेशा की तरह बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो ये है जलपरी और ये है मछुआरा जो पंजाब से जाल लेके निकला है, नोरा को ही पकड़ने में लगा हुआ है। बैक टू बैक इनके दो गाने पर क्या कमाल के गाने बनाए हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको। लास्ट टाइम अर्चना जी, रिमेंबर गुरु जब आए थे, गुरु मुझे ये कह रहा था कि जब तक मैं नोरा के साथ नहीं आता आप मेरा गाना प्रमोट नहीं करते। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है गुरु, मैं दिल से कहता हूँ कि आप अकेले नोरा को भी भेज दोगे तब भी प्रमोशन करेंगे। और मैं एक खुशी की बात बताऊं, इसे सीक्रेट, मैं दोनों वैक्सीन हो चुकी हूं। बट भाई मेरे पास भी एक बात है बताने के लिए। जी। नोरा ने खुद अपने इसी मुंह से मेरे को एक चीज बताई थी। क्या? कि इतना हैंडसम मछुआरा मैंने कभी नहीं देखा। वाओ। जब आप पिछली बार आई थी अजय देवगन साहब के साथ, हां जी, मैं खुल के बात नहीं कर पाया। ही इज अ वेरी जेलस मैन, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन आज जो आया है आपके साथ, ये मेरा छोटा भाई है। आप कहें तो मैं चॉकलेट लेने भेज दूं इसको। आइए बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां हो जाएं। नोरा की खूबसूरती पे मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। आपसे मिलना हमारी खुश नसीबी है, मजबूरी नहीं। हर बार किसी लड़के के साथ ही आओ ये जरूरी तो नहीं। चेहरा इसका खिल जाता है जब भी आती हैं आप। चेहरा इसका खिल जाता है जब भी आती हैं आप। शर्म कर कपिल, तू है दो बच्चों का बाप। गुड वन। मैं हूँ दो बच्चों का बाप और कोई फ्लर्ट कर रहा हो और बीच में टोको, ये है महापाप। अब अच्छी नहीं आप, आपकी कुर्सी पे छोड़ दूंगा सांप। गुरु, ये एल्बम मैंने आपके लिए मंगवाई है खास तौर पे। प्लीज हैव ए लुक, ये देखिए आप। अरे अच्छा, वाणी कपूर। वाणी कपूर, यस। या अरे यामी, यामी है। कृति सेनन है। yes, जी yes. है जैकलीन है। फिर वाणी आ गई। अगेन वाणी आ गई। हाँ, फिर नोरा नहीं आई। फिर अगेन ये कैटरीना है। ये कैटरीना है। मृणाल ठाकुर है। मलाइका अरोड़ा है। सोनाक्षी सिन्हा है। तो फिर मलाइका आलिया भट्ट है। मतलब काफी है। हर बार नोरा को ही क्यों घेरते हो आप? तो ये बात आप नोरा से भी पूछ सकते हो। अच्छा। सिंगल गाना मेरे साथ ही आता है ना, राइट? सो मुझे लगता है मैं इनका गुड लक चार्म हूँ। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। और ये मेरी गुड लक चार्म है। डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। पर जोक सपाट, आपका पहला गाना भी इतना कमाल का सुपर डुपर हिट हुआ है और ये गाने में भी आप दोनों इतने प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू, मजा आ गया देख के। थैंक यू सो मच। ये सब ठीक है, बट ये एल्बम में मेरा फोटो नहीं है क्या? आपकी फोटो हमारे दिल में है। एक बात बताइए, पिछले वीडियो में आपने इनको रोबोट बनाया, इस वीडियो में आपने इनको जलपरी बनाया। सच्ची सच्ची बताना, मन में क्या बनाना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब मैं अगली बार दूंगा।
तीसरे वीडियो के बाद। यस यस। पर मैंने देखा है नोरा को जलपरी बनाओ कुछ भी, मेरे को तो लगता है ये सो के भी उठे ना कंबल से, बिना मुंह धोए भी आके बैठ जाए ना, तब भी इतनी प्यारी लगती है, ऐसा जलवा इनका। इनको मरमेड बनाने का आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? वास्को सर का आइडिया था। ये मेरा ही आइडिया है नोरा, मुझे बताने दो आज यार। नो री, सच में आपके पहले भी कॉल होती ना मेरी सर के साथ। हाँ। आपको तो बाद में मेन प्लान आपको बताया। हाँ। मेन आइडिया हमारा ये था कि जैसे वो रोबोट बनी फिर रोबोट वापस चली गई। हाँ। सिर्फ मैंने देखा इसे। हाँ। अब मरमेड थी, मैंने इंसान बनाया फिर वापस छोड़ दिया। अच्छा। हाँ। मैं ही देखना चाहता हूँ इसको। अच्छा। अब जो पानी में जाए डूबे देखने के लिए वो जाने दो जिसको जाना है। हाँ। मैंने अपना हिसाब कर लिया है कि जब भी अगली वीडियो आएगी मैं कुछ बनाऊंगा, देखूंगा, घूमू फिरूंगा, वापस छोड़ दूंगा। अब इतना सेल्फिश तो ना बनता। ठीक है, चलता है। आप इतनी प्यारी लग रही हैं जलपरी बनके, आपको पता है आपके चक्कर में लड़कों ने स्कूबा डाइविंग की क्लासेस लेनी शुरू कर दी। सीरियसली लड़कों को ये लगता है, वैसे तो हम घूमते फिरते हमें दिखाई देती नहीं, हो सकता पानी के नीचे मिलेगी। ये हमारा पांडे है ना जो ड्रम पे बैठा है, आपको देखने के चक्कर में इसने अंधेरी वाले नाले में छलांग लगा दी। और तैरता तैरता मलाड जाके निकला बाहर, और फिर इसके मेंढक बैठे हुए थे तीन चार। पर ऑन ए वेरी सीरियस नोट, मैंने बिहाइंड द सीन वीडियो भी देखा जो गुरु ने अपने पोस्ट किया था, बड़ा मुश्किल था वो करना। वीडियो में बहुत प्यारी लग रही है लेकिन उसको बनाने के पीछे कितनी मेहनत जाती है। कितना मुश्किल था नोरा आपके लिए वो मरमेड का ड्रेस पहनना? और मैं देखा आप बिल्कुल लेटी हुई थी क्योंकि वो ड्रेस फोल्ड भी नहीं हो सकती। बहुत मेहनत था एक्चुअली। पहली बार जब मैंने वो आइडिया सुना था वास्को सर से, मैं बहुत खुश थी। आई वाज लाइक वाओ यस, कितना अच्छा आइडिया, वेरी क्रिएटिव, व्हाटएवर, या खूबसूरत लगेगा, यू नो। फिर हमने वो फिश टेल ऑर्डर किया बाहर से, आई थिंक कहीं यूरोप में से आया, एंड जिस दिन वो पहुंच गया and I saw it, I said, okay, तुम ये मुझे पहना है। अच्छा। I said, yeah, इतनी भारी है। कितनी भारी थी वो? I think it's about 15 kgs. बाप रे, 18 किलो की लड़की और 15 किलो की ड्रेस। पिछले वीडियो में गुरु ने गाना बनाया नाच मेरी रानी, अब बनाया डांस मेरी रानी। आप सीरियसली गाने बना रहे हो कि नोरा से मिलने के बहाने बना रहे हो? वही तो मुझे बाहर बोल रहा था 50 साल बाद भी गुरु और नोरा के वीडियो आते रहेंगे, उसके बाद टाइटल होगा नाच में रीना नीना नी। तब भी हम बूढ़े हो चुके तब भी देखेंगे। आए नोरा, आपका ये दूसरा म्यूजिक वीडियो है गुरु के साथ। हाँ। आप तो इतनी अच्छी कमाल की डांसर हैं। Thank you. गुरु के डांस में इम्प्रूवमेंट आया कुछ आपको लगता है? जी बिल्कुल इम्प्रूवमेंट आया, ऑफ कोर्स। एक्चुअली मुझे लगता है कि एक ही बार साल में आप लोग गुरु को देखते हैं नाचने में, क्योंकि जी. अगर वो मेरे साथ नहीं है तो वो नाचता नहीं। ऐसे अगर आप लड़के को कोई मीन बात बोलते हैं तो आप उसको बाद में किस करती हैं? Of course. मेरे को 8-10 मीन बातें बोलो। That's a good one. गुरु मैंने देखा इतना चलाक है ना, जब ये दूसरे एक्ट्रेस के लिए गाना गाता ना, ताकि गाना मैंने गा दिया अब जिम्मेदारी हीरो की है, वो महल पवाए ना पवाए, जब अपनी बारी आती है तो सेल्फ एंटरटेनमेंट का ध्यान रखते हैं, अपना एंजॉय। मैंने देखा गुरु ना अपने गानों में रानी लफ्ज बड़ा इस्तेमाल किया है ना। हाँ। रानी रानी, कभी आपको रानी मुखर्जी का फोन नहीं आया? कि इतना तो मेरा नाम आदित्य चोपड़ा नहीं लेते जितना आप ले रहे हैं। तो गुरु आपको रानी वर्ड से बहुत प्यार है? सी मुझे लगता है कि हर एक की लाइफ में किसी के लिए किसी की मम्मी रानी है, किसी के लिए किसी की बहन रानी है, किसी किसी की वाइफ रानी है, किसी के लिए बहुत सारी लड़कियां रानी है। सारी लड़कियां हवा में ही है ये बातें। तो क्यों ना
उनको गाने के थ्रू एक गाना दिया जाए जिससे वो एड्रेस कर सके सारी हिंदुस्तान की ब्यूटीफुल रानियों को। अब ये वर्ड आपका हो चुका है, ये मेरा ही वर्ड है, पहले राजाओं का था ये वर्ड, अब ये गुरु, वो अपनी बीवी को रानी बोलते थे, अब गुरु का हो चुका है ये। मैंने देखा है इस गाने में भी ना गुरु नोरा को ताक रहे हैं और गाने में तो देख ही रहे हैं, बिहाइंड द सीन मैंने वीडियो देखा उसमें भी नहीं हट रहा ये। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपका लिरिक्स पे कितना ध्यान है, ठीक है, रानी वर्ड इस गाने में कितनी बार यूज हुआ है, देखा कोई ध्यान नहीं, लिखता भी खुद है फिर भी ध्यान नहीं, सारा ध्यान देगा भाई साहब का ये, आई थिंक 16 टाइम्स। वाओ, अच्छा पता था फिर इतना लंबा पॉज क्यों लिया, गिन रहा था। अच्छा हिसाब किताब का पूरा बंदा। नाच वर्ड कितनी बार यूज हुआ है, ओह माय गॉड, अब नहीं गिन पाओगे इतनी जल्दी, चार गुना कर लो 64 बार, 64 बार, इसमें 66 लिखा हुआ है, 66 बट गुड, वाओ 66, क्या बात है यार, वाह। डांस वर्ड कितनी बार यूज हुआ है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 6 वाओ, करेक्ट जवाब। अब हम पहुंचते हैं अगले पड़ाव पर। आपने सही जवाब दिए, मैं आपको अनार गिफ्ट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नोरा, आपने किसी इंटरव्यू में बोला करीना कपूर को कि मैं तैमूर से शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद आपको पता तैमूर जल्दी जल्दी बड़ा होने लगा है। वो 3 साल में 6 साल का हो गया। आप बताओ एक चीज, आप तैमूर से जलस हो क्या, क्योंकि मैंने वो बात बोला था। कौन मैंने सा? सिर्फ बोला था क्योंकि वो क्यूट है तैमूर। हाँ मैं भी सो के उठता हूँ, बड़ा क्यूट लगता हूँ। ऐसा नहीं, हाँ। तैमूर की तरह नहीं, तैमूर बहुत, तैमूर तो बहुत क्यूट है। हाँ। आप जलस हो इस बात के? मेरा बेटा भी बड़ा क्यूट है, उधर ही कर लो, किस बहु ही बन जाओ कुछ तो कर। यू नो व्हाट कपिल, लास्ट टाइम जब मैं आई थी गुरु के साथ नाच मेरी रानी के लिए 1 साल से पहले, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप फ्लर्ट कर रहे थे, बहुत मजा आया वगैरह वगैरह। फिर मैंने बहुत सारे एपिसोड्स देखे, हाँ। तो मुझे पता चला कि आप हर गेस्ट के साथ फ्लर्ट करते हो, राइट? दैट इज फेक। नो नो, रॉन्ग, दैट इज फेक, ऑल फेक। तो क्या असली है, मुझे समझ में नहीं आता। बस आप ही हो। अच्छा। मैंने जिंदगी में मेरा ड्राइवर कभी शूटिंग देखने नहीं आया, वो देखो दाढ़ी खुजा रहा है आपको देख के। No, तो क्या कर रहा है रंजीत यहाँ पे, पहले मेरे को बता। मैडम को देखने आया, शर्म नहीं आती? Oh my God. सीट भी नहीं है, कहीं सीढ़ियों पे बैठा हुआ है। शाबाश बेटा, इतना प्यार तो मुझे करता ना, मेरी गाड़ी 6 बार नहीं ठोकता। कभी नहीं देखता। इसके बाद में तो ये छोड़ जाएगा काम। गुरु इतना टैलेंटेड है और हम लोग एक गाना कर रहे हैं बहुत जल्द साथ में, वो लवली, गुरु का ही लिखा हुआ है, गुरु का ही कंपोज किया हुआ है। जब इन्होंने मुझे गाना सुनाया मैंने कहा यार वाओ, इसकी कंपोजिशन किसने की, कहता पाजी मैंने, लिखा किसने, कहता मैंने। सो धीरे धीरे करके, हालांकि मैं इतनी देर से जानता हूँ, लेकिन एक एक करके टैलेंट बाहर आता रहता है, अब पता चलता है। सो ब्लेस्ड है बहुत ज्यादा, इनको कुछ भी बोल दो। अभी मैं अगर इनको बोलूं कि पाजी ABCD पे गाना बना दो, बना देगा गुरु। इसी पे कर देते हैं ना डांस, मेरी रानी पे है ना। ओह यू ओके ओके, है ना, खड़े होके करें, खड़े होके करें। नोरा, यू कैन आल्सो जॉइन अस। तो मैं पहली बार कोशिश करूंगा ABCD गाने की। हिट है आपकी ABC? और ABCD पे नोरा डांस करेगी तो आई थिंक ABCD हिट हो सकती है, और बच्चों को क्या, बुजुर्गों को याद हो जाएगी ABCD। यार ये बोले यार, शर्मा तुम्हारे पास किसी इलेक्ट्रिशियन का नंबर होगा क्या, मेरा म्यूजिक सिस्टम एकदम खराब हो गया है और आज गुरु रंधावा के गाने सुनने का बड़ा दिल कर रहा है। वकील साहब इधर गुरु खुद आए हुए हैं। नोरा जी नमस्ते, गुरु जी नमस्ते, गुरु जी
आपके पास किसी इलेक्ट्रिशियन का नंबर होगा क्या? मेरा म्यूजिक सिस्टम खराब हो गया और आज आपके गाने सुनने का बड़ा दिल कर रहा है। एक अपना स्पीकर पहले नीचे रखो, मेरी बात सुनो। गुरु खुद यहाँ पे आए हुए हैं तो आप उनसे सुन लो ना, आप इलेक्ट्रिशियन को क्यों बुला रहे हो? यार ये बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं? सर कोई बात नहीं, फिर शर्मा एक मिनट इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ शर्मा। एक काम कर दो, जो इलेक्ट्रिशियन है ना उसे फोन कर दो, कह दो कि आप उसे नहीं आना है। नहीं जब उसको फोन ही नहीं किया तो वो क्यों आएगा? फोन तो मैंने इनको भी नहीं किया लेकिन आए ना। भाई जब दिल मिले होते हैं ना तो नंबर मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या बात है, बहुत अच्छे। नोरा जी मैं आपको एक इत्तेफाक की बात बता रहा हूँ। नाला कितना लमकिया। आज सुबह मेरे सपने में एक पंडित जी आए और शाम को देखिए ये आ गई। ये देखना नोरा भी स्टार्ट होएंगे। वकील साहब आपको पता है आपके सपने में पंडित जी आए और आपने देखा आज नोरा आ गई। नोरा आ गई ठीक, मेरे ही सपने में आज एक डंडा आया और आप आ गए। डंडा तो मुझे नहीं चाहिए, कुछ ठंडा हो तो पिला दो। डंडा ठंडा ही है, फ्रिज में रखा है मैंने। वकील साहब एक बात बताओ, आप अपने मुंह पे ना दो बटन लगवाओ, लाइक और डिसलाइक का। और मैं तो कहता हूँ डिसलाइक का ही लगवाओ, लाइक तो कोई करेगा नहीं। अजीब आदमी है ये, क्या हालत बना रखी है आपने? और अच्छा हालत और दिस थिंग हुआ क्या, मैं नोरा जी की फोटो के साथ एक बहुत ही रोमांटिक रील बना रहा था। अच्छा अब इनका एक फैन वहां पे आ गया, कहता है रुक जा वरना बहुत मारूंगा मोटे। अब मुझे आया गुस्सा, मोटा सुन के गुस्सा? नहीं नहीं रुक जा सुन के आया, मोटा तो मैं हूं। पर मैंने भी उसे कह दिया कि अगर तू एक बाप की औलाद है तो मुझे मार के दिखा, को इंसिडेंटली वो एक बाप की औलाद था। तो मतलब आप मार खा के आए हो? नहीं मैं राजमा खा के आया हूँ। मार मुझे पड़ी है, देयर इज अ डिफरेंस। नो नो ट्रस्ट मी, देयर इज अ डिफरेंस। मार खाना और मार पढ़ना, अच्छा समझ, वो अलग अलग चीजें हैं। समझ समझ, समझ गए, समझ गए। तो उतारो मुझे नीचे। जैसे चढ़े हो वैसे उतर जाओ। मैं ट्राई करता हूँ। ध्यान से लैंड करने वाला है। आ जाओ। अपनी अपनी पेटी बांध ले। हाँ एक बार तो इनकी मूवी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इनकी मूवी नहीं आ रही है, इनकी म्यूजिक वीडियो आई है। मत बजाओ ताली। कोई मत बजाओ ताली, मत बजाओ ताली। अरे म्यूजिक वीडियो आ रही है, फिल्म आ रही है, कुछ आ ही रहा है ना, जा तो नहीं रहा है। अब तालियां सुनने के लिए अलग से कोई मूवी करेंगे क्या? ये बजा दो यार तालियां, बजाओ। और मैंने देखा आपके म्यूजिक वीडियो में आप जल परी बनी है। मीट मी, आई एम जल परा। ये झूठ बोल रहे हैं, इनका नाम दामोदर जेठमलानी, कोई जलपरा नहीं है ये। मेरी बात सुन के ये आदमी जल पड़ा। नोरा के दिल की बात बताऊं मैं आपको? बताइए बताइए। गेट आउट। गेट आउट तो ये कभी नहीं मुझे बोलेंगी। देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट आई डोंट डिजर्व। लेकिन फिर भी यार मैं इनके फादर की उम्र का हूँ। अभी तो आप उनसे फ्लर्ट कर रहे थे। देखो यार प्यार की कोई उम्र नहीं होती बाबू। क्या बात है। भाई प्यार तो प्यार होता है, दैट इज व्हाई यू कीप क्वाइट। ओए उबले हुए नसीरुद्दीन शाह। यू कीप क्वाइट एंड यू कीप क्यूट। क्योंकि आप इतनी प्यारी हैं, इतनी खूबसूरत हैं, और देखिए आप डिडम बना देखिए। क्या देखिए? चिडम बना देखिए। यही देखिए, ये जो कह रहे हैं आयरनी देखिए। मेरी माँ मेरे लिए यहाँ वहाँ घूम घूम के सुंदर अच्छी लड़की ढूंढ रही है और ये यहाँ बैठी हुई है। ये तो वही बात हो गई ना, बगल में डोरा, शहर में डिडोरा।
वकील साहब को शर्म नहीं आती है, आप तो शादीशुदा है। अरे यार क्या याद दिला दिया भाई, कुछ हाथ से होते ही हैं भुलाने के लिए, जैसे चिंगम होती है चबाने के लिए, जैसे पीठ होती है खुजाने के लिए, और दिल होते हैं मिलाने के लिए। वैसे ही ये तबला होता है बजाने के लिए, आप सर पे लेके घूम रहे हैं। ये बातें तो होती रहेगी, लेकिन गुरुजी आपका नाम सुनते ही ना मुझे दोस्त याद आ जाता है। आपके दोस्त का नाम भी गुरु है? नहीं नहीं, मेरे गुरुजी का नाम दोस्त है। पंडित दोस्त चौरसिया। दोस्त किसका नाम होता है, झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छा शत्रु किसी का नाम हो सकता है, दोस्त नाम नहीं हो सकता क्या? आदमी नहीं है वो, इज अ वेरी बिग म्यूजिशियन। अच्छा क्या बजाते हैं वो? वो बेल वादक है। बेल वादक मतलब कि वो अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस पे जाके उनके दरवाजों की बेल बजाते हैं। लाइक टिंग टोंग टिंग टिंग ट्रिंग डिंग ए सॉरी अलग अलग। वो कभी आपके घर पे भी आ सकते हैं, कभी आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा, मैं भी आके मिलूंगा एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नौरा जी, मैंने देखा है आप ये हैशटैग चैलेंज वगैरह बड़ा कर दिए हैं। इसका नाम हैशटैग डांस विद नौरा। हैशटैग डांस विद नौरा। यस। मैं आज आपको एक चैलेंज देता हूँ। क्या चैलेंज है? देखिए गुरु रंधावा के साथ तो म्यूजिक वीडियो कोई भी कर ले, हिम्मत है तो मेरे साथ म्यूजिक वीडियो कर ले। पता है ये अच्छा है, हम कर सकते हैं, करेंगे। क्या 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 क्या? I said long time. अरे long time, LIC time, पान नहीं बन रहा है यहाँ। समझ में आ रहा है? ये तो फिर भी आते रहते हैं। आज इतने दिनों बाद तुम कहाँ से प्रकट हुई भाई? मैं रोज आ जाऊँ लेकिन ये बुलाते ही नहीं। मैं तो रोज बुलाता हूँ तुम्हें। मैं एपिसोड की बात ही कर रही हूं। एपिसोड में क्या रखा है ना, एपिसोड में अगर बातें ना करो तो शायद ये तुम्हें बुला भी ले। क्योंकि यहाँ पर एपिसोड में बातें नहीं चलती हैं, कॉमेडी चलती है बेबी। योर बेबी। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट योर बेबी, आई एम योर असिस्टेंट। ओके। एक मिनट, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर बैठने की? ओह गॉड। वकील साहब तुम्हें हिम्मत चाहिए बैठने के लिए? मैं बहुत फिट हूँ, मैं आराम से बैठ जाऊंगी। डिड यू जस्ट चैलेंज मी? कोई नहीं, ऐसा क्या, मुझसे क्या नहीं होता। You can do it. करेगा, करे, come on, come on. It'll happen. ये सब कुछ नहीं होता है, तुम अंदर जाके ना वो खन्ना की फाइल देखो, जाओ। अरे मुझे गेस्ट से तो मिलने दो। एक मिनट, मैं तुम्हें सैलरी गेस्ट से मिलने के लिए नहीं देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ नौरा जी, गुरु जी, शी इज माई असिस्टेंट। अच्छा। लेकिन मजाल हो कि एक भी केस इसने मुझे लाके दिया हो। मैं जितने केस लेके आता हूँ उन्हें ये खराब कर दिया है। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने इसे कहा कि पुलिस से बिल्कुल मत कहना कि ये चोर है, इसने तुरंत जाके पुलिस से कह दिया और चोर पकड़ा गया। 3 दिन तक वो चोर जेल में था। अच्छी बात है ना, चोर को जेल हुई। अरे वो मैं था यार। Exactly. I was the चोर। शर्म नहीं आती आपको चोरी करते हुए? नहीं नहीं, इसको शर्म नहीं आती चोरी के लिए। जब जेल लेके जा रहे थे, जाते जाते पुलिस की पॉकेट मार ली। बोलते हैं जब जेल जाना है तो थोड़ा और चुरा लेते हैं। That is called a creative mind. ऐसे होता है गोरा जी, अब गोरू जी, नोरा, नोरू, क्या यार? नोरू, उसकी वजह से ना मैं कंफ्यूज कर देती है ये मुझे। गुरु, नोरा, मैं आप लोग का सबसे बड़े फैन हूँ। I love all of your songs. Oh my God, this was so funny. हंस-हंस के मेरे गुर्दे फट गए। Oh my gosh. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Oh. Welcome to comedy show.
एक्चुअली ना मुझे आपके अगले गाने में मरमेड बनना चाहती हूं। मैं मरमेड नहीं, तुम मेड बन जाओ उन्हें जरूर। नोरा, लुक एट द वे दे ट्रीट मी। मुझे मेड नहीं, जलपरी बनना हूं। और मैं बहुत प्रैक्टिस भी कर चुकी हूं। नहीं, इसकी प्रैक्टिस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हमारा ऑफिस है यहाँ पे, बाथरूम में नल ऑन करके नाक बंद करके उसके नीचे ऐसे बैठ जाती है। ये हमारी जलपरी भाई, उस नल के जल का जो बिल आ रहा है ना, वो देख देख के मैं जल रहा हूँ। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए प्लीज। गुरु, जो आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं या वीडियोस डालते हैं, आई एम श्योर आप लोगों के पास टाइम नहीं होता कमेंट्स पढ़ने का। बड़े मजेदार कमेंट्स लिखते हैं लोग, बड़े फनी कमेंट्स। मैं चाहता हूं आप एक बार नजर मारें, प्लीज दिखाइए जरा। माय मर्मेड रानी नोरा फतेही दिखाएं, बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। कमेंट्स पढ़ते हैं। ओह माय गॉड, ऐसी ही मेड तो हम भी ढूंढ रहे हैं। अरे वो मेड नहीं, मरमेड है। हाँ तो हम भी मर जाएंगे इस मेड के लिए। गुरु मोड़ा के खुल गए भाग, पानी में देखो लग गई आग। मोड़ा मतलब मोड़ा भाई, भाई। अच्छा और दिखाइए। अरे कोई गुरु पे भी ध्यान दे लो, फोटो उसने डाली है। रिप्लाई भी आया, कहना उसका खुद का ध्यान नोरा पे है। सफेद कपड़े में लड़का सिर्फ नोरा के लिए ही पानी में जा सकता है। True, true. हाँ, नहीं तो वैसे बोलेंगे खराब हो जाएंगे। वाह, ठीक है, डिटेलिंग वाला बंदा। और आगे दिखाइए। Some, you know, the things they notice. Oh, nice. That's yours now. Oh, my, here we go. Please, मत हाँ, दिखाइए कमेंट्स। नोरा ने इतना खुद ही डाला हुआ हार्ट फायर, हार्ट फायर। वाह, अच्छी बात है। वाह मैडम, आपको देख कर तो मेरा चश्मा उतर गया। ये क्या कमेंट है? आपकी तो सारी उंगलियों में अंगूठी है, मैं किस में पहनाऊंगा। नीचे रिप्लाई भी किसी ने लिखा है उस बंदे को कि नमक स्वाद अनुसार और सपने औकात अनुसार। ये ड्रेस टेलर से बनवाई है या ज्वेलर से? That's a compliment. ये पिक्चर अभी डालनी जरूरी थी, कल मेरा एग्जाम है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और दिखाइए। ब्रेकफास्ट ऑन मंजी, ओ सॉरी लंच। अच्छा, मंजी मींस चारपाई। दिखाइए कमेंट्स। इस पे तो बहुत नेक्स्ट लेवल आए होंगे। दिस इज गोना बी फनी। आप गाने में ही नहीं, खाने में भी गुरु हो। बंदा थाली लाना भूल गया लेकिन फोटो लेना नहीं भूला। कोई जल्दी से इसे रोटी दो वरना सारी दाल पी जाएगा। छोले पहले ही खा चुका है। और दिखाइए। खाने पे कंट्रोल किया होता तो तकिया रख के पेट छुपाना नहीं पड़ता है। वैसे रखा है, गुरु बड़ा फिट है उसने ऐसे। खाट पे जट और जट के ठाट, कैसी लगी मेरी बात। फालतू की शायरी कहीं और जाके बांट। और दिखाइए। वाओ, बिंटे दिल मिजरिया में है, ये तो उसमें था गाना लिरिक्स। या पर बड़ी प्यारी फोटो है नोरा आपकी। Thank और बहुत ही खूबसूरत फोटो। दिखाइए कमेंट्स। कमेंट भी बड़े अच्छे होंगे नीचे। ओ स्त्री जल्दी आना, बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी आ जाओ, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। घूंघट में नोरा, लगता है घर वाले ढूंढ रहे हैं छोरा। मैं तैयार हूँ, मैं हूँ छोरा। बेटा वो छोरा ढूंढ रही है, छिछोरा नहीं। और दिखाइए। घंटों के हिसाब से हमारे यहाँ शादी ब्याह के लिए ज्वेलरी किराए पे दी जाती है, संपर्क करें। मैं जल्द संपर्क करूंगा, बस एक बार नोरा हाँ कर दे। अब देखो मैं अकेला ही नहीं हूँ, दुनिया सारी नोरा को कितना पसंद करते हैं देखो आप। और दिखाइए कमेंट्स।
फील द लव इन दिस प्योरेस्ट फॉर्म विद मेहंदी वाले हाथ. दिखाइए जरा कमेंट्स. भुट्टो के ऊपर लेटे हुए आप दोनों की जोड़ी इतनी हॉट लग रही है, नीचे वाले भुट्टे के तो पॉपकॉर्न बन गए होंगे. लड़की ने पॉपकॉर्न मांगा था, ये तो सीधा भुट्टे के खेत में ही ले गए. ये तो हंस रहे हैं, जिन्होंने इतने भुट्टे छीले हैं उनका क्या हाल हुआ होगा. और दिखाइए. 20 मिलियन. 20 मिलियन. That must be long ago. Long back, last year. No, 36 million. वो देखती नहीं है. Thankfully, yeah. तो comments भी पढ़ लेते हैं. Something about the camel, 100%. इतनी सुंदर लड़की जब यहाँ खड़ी है, ऊँट उधर क्या देख रहा है? तू भी तो लड़की के होते हुए ऊँट को देख रहा है, ऊँटनी के. ऊँट भी लाइक बोल रही है 20 मिलियन फॉलोवर, और यहाँ तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है. फोटो ऊंट वाला खींच रहा है या बॉयफ्रेंड ऊंट वाला है? और दिखाइए. Where was this taken, by the way? This was in Morocco. Oh. Yes. Hometown. मैडम जल्दी फोटो खिंचा के जाओ, रात हो गई तो ऊंट पे तो हेडलाइट भी नहीं है. कुछ भी. और दिखाइए. खत्म. नोरा, मैंने कभी आपसे नहीं ये बात पूछी, आप इतनी टैलेंटेड हैं, इतनी अच्छी डांसर हैं, एक्टर हैं, और पूरी दुनिया में बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, आपने सिर्फ बॉलीवुड को ही क्यों चुना? बहुत सारे रीजंस हैं. लाइक एक तो बॉलीवुड का एसेंस, व्हाट बॉलीवुड इज, हम बहुत रिलेट करते हैं. तो बचपन से हम बॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं, बॉलीवुड डांस करते हैं. सो ऑलमोस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, यू नो. सो आई फील आई रिलेट टू बॉलीवुड. बॉलीवुड इतना बड़ा इंडस्ट्री है दुनिया में. इट्स वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्रीज एक्चुअली. लेट्स बी, यू नो, वी हैव टू गिव इट अप टू बॉलीवुड. सो आई फील लाइक अगर दूसरे जन्म था, देन आई कैन से कि माय सोल मस्ट हैव बीन हियर इन सम वर्ल्ड. या फॉर श्योर सम टाइम. एंड उसके अलावा वो प्यार जो ऑडियंस देता है, और मेरा करियर यहाँ से शुरू हुआ. सो इमेंस रिस्पेक्ट फॉर बॉलीवुड. थैंक यू. एंड इंडिया. आपको याद है कोई जो पहली फिल्म या पहला गाना आपने बॉलीवुड का कौन सा देखा था? ओ माय गॉश. ओके, पहला गाना जो मैंने उस पर डांस किया मेरे दोस्तों के साथ स्कूल में. अच्छा. आई वॉज आई थिंक 10 साल की थी. अच्छा. माहीवे. ओके. माहीवे. अच्छा. शाहरुख खान का गाना है. That's the way. माहीवे. ओके. ना 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 ना. Yes. वो पहला गाना था. वाओ. आपने कभी शाहरुख भाई को ये बात बताई? No. बताना चाहिए है ना? बिल्कुल बताना चाहिए कि मैं पहला गाना था आपका जो तुमने डांस किया. अच्छी बात है. Yes. तो उसके बाद देवदास के सारे गाने पे मैंने डांस किया स्कूल में. आ जाना चले, दोला रे दोला. It was a nice time. पर तुमको देखकर और मोरक्को की लड़कियां आना चाहती हैं बॉलीवुड में, डू नो दैट? यस, मुझे पता है. हाँ जी, ऑफ कोर्स. जब भी मैं मोरक्को जाती हूँ काम के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं एंड देयर लाइक, मैम हमें हिंदी सीखनी है, हम भी डांस करना चाहते हैं, और हम मतलब वी लुक अप टू यू एंड ऑल दैट. सो इट फील्स, यू नो, बॉलीवुड ग्लोबल है, ठीक है. तो इतने सारे लोग जो इंडियन नहीं है, अफ्रीका से है, मिडिल ईस्ट से है, यूरोप से है, दे वॉच बॉलीवुड फिल्म्स. उनको ये कल्चर, ट्रेडिशन, कपड़े, कलर्स, म्यूजिक, उनको बहुत अच्छा लगता है. सम ऑफ देम आर ऑब्सेस्ड. जस्ट लुक एट शाहरुख खान सर, वो ग्लोबल स्टार है. देर आर पीपल हु डोंट नो हॉलीवुड स्टार्स बट दे नो शाहरुख खान सर. यू नो, शाहरुख खान सर वो जहाँ भी जाता है, मार्क माय वर्ड, जहाँ भी, those people will know who he is. Actually. Wow. Yes. Meri nani, unko pata hai Shahrukh Khan kaun hai. Wow. You know, and she doesn't even watch TV. मैं ना आपकी बात से बिल्कुल रिलेट करता हूँ, बिकॉज मैं ना एक बार सऊदी में कहीं गया तो शाहरुख भाई की फिल्म चल रही थी होटल में, मैं ऐसे थका हुआ. अब मैंने तो शाहरुख भाई को देखा, हिंदी में बात करते ना, कि अगर इसने मुझे पीछे मुड़ के देखा तो समझो ये भी मुझसे प्यार करती है.
तो वही सीन चल रहा था और अल्तदाह मन तले तरसता रहा। मैं इतना खुश हुआ यार, मेरे को वो लैंग्वेज में अंडरस्टैंड नहीं करता था, पर मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि यार शाहरुख भाई की फिल्म में। कपल डबिंग के अलावा जब मैं कनाडा में थी, मेरी सारी फ्रेंड्स सोमालियन है, केनियन है, जमैकन, गाइनीज है, बहुत डाइवर्स फ्रेंड्स मेरे पास है। तो जब हम बच्चे थे, आई थिंक अबाउट द एज ऑफ 16, 15, 14, आई वुड गो टू देयर हाउस और टीवी पे सारी इंडियन फिल्म्स है बिना डब, हिंदी में। अच्छा। यस, एंड दे वुड स्पीक हिंदी आल्सो, और उनको हिंदी समझते हैं, वो लोग हिंदी में बात करते हैं, हमारी फिल्मों के जरिए वो हिंदी सीख रहे हैं। यस यस ऑफ कोर्स यस। और नोरा भी देख लो आप एग्जांपल। हाँ, सो जस्ट इमेजिन वो इम्पैक्ट कितना बड़ा है। वंडरफुल। यस, थैंक यू बारी। आई थिंक इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म और इससे बढ़िया शो नहीं हो सकता कोई, और ये गाना गाने के लिए उनको ट्रिब्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरत ट्रिब्यूट था। हमने बातें काफी कर ली, एक गेम खिलाता हूँ मैं आपको। इस गेम का नाम है सरप्राइज बॉक्स। यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स रखेंगे और बॉक्स का ढक्कन हम खोल देंगे, ऑडियंस को पता रहेगा कि इसमें क्या है। अच्छा। साइड में होल होंगे, आपको हाथ डाल के फील करके बताना है कि उसमें क्या है। मैं मंगवाऊं आपकी इजाजत है तो प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल, लेके आइए जरा। कम नोरा, लेट्स प्ले द गेम। ओके, तो आप खेलोगी, मैं और गुरु आपको देखेंगे। अरे ये फेयर नहीं है। नहीं, फेयर है, बहुत फेयर है। ओके, तो स्टार्ट करें। ऑडियंस प्लीज, कोई हिंट नहीं देगा। बोलना मत। हाँ हाँ। अरे ओके। ओ ओ, क्या मलिका शरावत निकली अंदर से? आराम से। बट थैंक यू मेरे को आगे खड़ा करने के लिए। ओके नोरा, सो ये इस तरफ पे होल है, इस तरफ भी होल है। आप दोनों हाथों से, एक हाथ से, जैसे भी आपको ठीक लगे, आपको उसको टच करके फील करके बताना है कि क्या है इस बॉक्स के अंदर। काटेगा तो नहीं? क्या This is a food. क्या? वो जो खाते हैं ना? Yeah, yeah. What is this? Shelf. This is a fruit. But which fruit? What is the name? तो ये कौन सा कलर है आप बता दो? कलर? हाँ। कलर कौन सा अर्चना जी? It's green. It's green, but it's very muddied green, you know. और छोटे डॉट्स हैं ऊपर। हाँ, I can feel that. Okay, you asked the question. Is it a? दो. Fruit. It's a fruit. तीन. So what is the? You've already got half the name, I think. चार. Grapefruits. पांच. The other fruit? One. इससे ज्यादा चीटिंग मैं नहीं करवा सकता। शायद मुझे नहीं पता इंग्लिश में। No, so remember the nursery rhyme? I don't know this in English. ये क्या होता है? ये तो मैंने नहीं पता। मेरे को तो हिंदी में भी नहीं पता। Jackfruit ना? Jackfruit. So I was saying, oh, I did not know this. ओके, हटाओ इसको। एक्चुअली किसी भाषा में मुझे नहीं पता। किसी भाषा में पता? ओके ओके, दिस इज वेरी इजी। ओके, खाने के लिए है? नहीं। हाँ, खाने के लिए है कई जगहों पे। अच्छा, एक तो ये जिंदा है या नहीं? नहीं नहीं, ये मरा हुआ है। ओ नहीं, ये कभी जिंदा था ही नहीं। ओहो, ये फिश है क्या? नो। इज इट अ स्नेक? या। वाओ, पहला जवाब आपका सही निकला है। नागिन। ये ऑर्गेनिक सांप हैं, हरे रंग के। अल्लाह, ये भी लास्ट बचा। ये ले आया ना, पूरा ले आओ, ये हटा लो। नोरा कम।
प्लीज ट्राई इट. पहले बताओ ये जिंदा है क्या? जिंदा है. नोरा तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता हूँ? At least some hints. भगवान की बनाई हुई चीज है. ओह वाओ, नेचुरल नेचुरल चीज, नेचुरल चीज है. क्या? ओके. क्या हुआ? ये जिंदा है. आप क्या चाहती हो? हाँ, मरी हुई चीजें लेके आए. एक ट्राई तो करो आप. ये सिर्फ गर्दन है. शर्म नहीं आती तेरे को? लड़की को डराता है? चलो वापस जाओ. ओह गॉश, अब बाल उसके ऊपर ही रह गए. देखो गया गायब बंदा. नोरा के लिए जोरदार तालियां. ले जाइए. मुझे बात कंफर्म करनी थी. जैसे मैंने गुरु से पूछा ये गॉड गिफ्ट है, इनसे जब मैंने पूछा कि आपने डांस कैसे सीखा, इन्होंने बोला मैंने ऑनलाइन सीखा. इज इट रियली ट्रू? और आपने मजाक में बोला था? नो, ऑफ कोर्स मजाक नहीं कर रही थी. ऑनलाइन सीखा आपने डांस? मींस रिदम है मुझ में, आई थिंक व्हाटएवर गॉड गिवन गिफ्ट है. बट ऑफ कोर्स आई एम वेरी ऑब्जर्वेंट, सो जो भी है टीवी पे, ऑनलाइन पे, एनीवेयर, अगर मुझे डांस अच्छा लगता है तो आई रियली ऑब्जर्व एंड देन मैं खुद से प्रैक्टिस करती हूँ. तो ऑफ कोर्स मैंने सीखा नहीं professionally, training नहीं ली है, but शुक्र है अभी professional training नहीं ली तो ये हाल है. professionally भी ये training लेती है, क्या करती है? सीख सीख के पागल हो गए, सीख ही नहीं पाए. हमारे जितने यहाँ पे दर्शक है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने कभी ऑनलाइन कुछ सीखने की कोशिश करी हो या कुछ मंगवाया हो, जो भी ऑनलाइन, तो आप लोग अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं. जी हेलो. हेलो अर्चना मैम. हेलो एवरीवन. मैं भव्या हूँ फ्रॉम बसई. तो जैसे नोरा मैम ने बोला कि उन्होंने ऑनलाइन वीडियोज या जो भी देख के डांस सीखा, तो मेरा भी मन किया लॉकडाउन में कि एक बार मैं भी कुछ सीखूं. अच्छा. तो क्या हुआ था, मेरी मम्मी ने ना मेरे लिए बड़ा ही महंगा ईयरफोन लेके आया था, कुछ 4-5 हज़ार का. अच्छा. तो उसके नेक्स्ट डे मैंने कोई वीडियो देखा, DIY जो होता है ना यूट्यूब पे. अच्छा. मैंने उसमें एक वीडियो देखा कि उसमें वो वायरलेस ईयरफोन कैसे बनाते हैं. अच्छा. क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया था, मेरे सारे फ्रेंड्स वायरलेस ईयरफोन्स लेके घूम रहे थे, मैं तारों वाला ईयरफोन लेके घूम रही थी, कभी इधर अटकता कभी उधर अटकता. तो मैंने वो वीडियो देखा, उसमें सारे वायर्स काट के फॉइल पेपर होता है वो रोल करना था, और जो मोबाइल में प्लग इन करते उधर भी फॉइल लगाना था. तो अच्छा. मैंने वो किया ट्राई, और सॉन्ग सुनने का ट्राई किया, चला ही नहीं वो. फिर मैंने सोचा कि उसको ठीक करने का कोई वीडियो देखूं, कुछ नहीं हुआ. मम्मी कहती कि स्यापा बाद तक कुछ नहीं हुआ, सारे पैसे भी गए ताने अलग. पर ये ऐसा होता है, मतलब आप वायर वाले एयरफोन को काट के बना सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, नहीं होता, वरना इसका हो गया होता. नहीं होता. भव्या जी, शादी हो गई आपकी? नहीं नहीं, आई एम स्टडिंग. शादी क्या, बच्चे हैं यार. नहीं मैंने ऐसे ही पूछा, पढ़ाई करते करते दूल्हा कौन सा इनकी किताबें फाड़ देगा. शादी नहीं पारे, इन्होंने अगर ये चीज वहाँ से सीखी है, ये छोटी सी ईयरफोन वाली, दूल्हा माता ऑनलाइन ढूंढ लेना. शुक्रिया. थैंक यू भव्या. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम. लड़कियां करती हैं ऑनलाइन सारी चीजें, बंदे ने हाथ नहीं खड़ा किया किसी ने. हेलो कपिल सर. हाय एवरीवन. हाय हाय अर्चना मैम. हेलो. हाय. मुझे ना मेकअप का बहुत शौक था, है अभी भी. अच्छा. तो एक दिन मुझे शादी में जाना था. अच्छा. मतलब शाम का टाइम था, और अभी मुझे मैंने ऑनलाइन देखा मेकअप का, तो मैं सोचा ऑनलाइन से ही मेकअप देख देख के मैं अपने सर फेस पे मेकअप कर लूं. मैंने एक साइड है ना मोबाइल रखा, और एक साइड सब मेकअप का सामान रखा. तो वो लगाती गई, मैं लगाती गई, वो लगाती गई, मैं सर फेस पे लगाती गई, और मुझे याद ही नहीं आता कि मैंने कितने बेस लगाए. अच्छा. फिर जब लिपस्टिक करके और क्या, शाम का टाइम था ना, तो मैं ऐसे ही फटाफट मेरे निकल गई. मैं सोचा अभी मेरा ऑनलाइन से देखा तो मेरा बराबर ही होगा. अच्छा. तो रास्ते में मेरी सब फ्रेंड्स 2-3 मेरे को ऐसा मिली, तो ऐसे एक्शन करने लगी, अरे वाह, अरे ऐसा ऐसा करने लगी. मुझे लगा वो मुझे मतलब कॉम्प्लीमेंट्स दे रही है. तो आपके हस्बैंड साथ नहीं थे?
नहीं वो नहीं थे। अच्छा। वो दुकान पे थे। तो वापस आके पहचाना उन्होंने आपको? पर क्यों करती हैं आप, वैसे इतनी ब्यूटीफुल है। नहीं शादी में जाना था ना, तो शादी में हम लोग विदाउट मेकअप नहीं जाते हैं। शादी क्या, मैंने तो सुना बाथरूम भी नहीं जाते। आज आपने कितना किया मेकअप? आज ज्यादा नहीं किया। देखो कितनी प्यारी लग रही हैं आप कहाँ से आई मैम? मैं जू स्कीम पार्ला। अच्छा अच्छा, तो स्कीम थी कोई वहाँ पे घर बनाने की? नहीं नहीं, जू है और वो पूरा एरिया को स्कीम बोलते हैं। तो किसी ने स्कीम बनाई होगी वहाँ पे, रेजिडेंशियल प्लॉट बेचे होंगे। अच्छा नहीं, वैसे नहीं। ओके धन्यवाद मैडम तुम्हें आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी नमस्कार जी, माइक ले लो। हेलो कपिल। हेलो जी। एंड हेलो एवरीवन। हेलो जी, मेरा नाम कविता है और मैंने भी जैसे उन्होंने कहा ऑनलाइन से सीखा ना, मैंने भी कुछ कुछ सीखा है। क्या क्या? जैसे खाना बनाना। अच्छा जी। इंग्लिश में बोलना। नाइस। अच्छा जी। वाह। थोड़ा बहुत सीखा है। सो लेट्स टॉक इन इंग्लिश। पूछिए कुछ भी इंग्लिश में पूछिए। सो वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम मुलुंड। मुलुंड? या। एंड यू आर हियर अलोन और योर हस्बैंड इज आल्सो हियर? हस्बैंड इज नॉट हियर, माय सन इज हियर। Hi. He's sitting there. Very nice. Khade ho jao. Khade ho jao. Khade ho jao. Baithna nahi. So main aapko ek baat batane chahta hu, maine bhi online itni seekhi thi jo maine bol di. Nahi phir bhi aap achhi bol lete hain. Meri English khatam ho gayi. Abhi aapki improve ho chuki hai English mein. Khatam nahi. Aapki improvement abhi ho chuki hai English mein. Main dekhti hu abhi aap achhi bol lete hain pehle se. Thank you. Main sikha rahi hu dheere dheere. Kapil aap aaj bahut bahut cute lag rahe hain. Thank you ma'am. Aur main pehli baar kisi celebrity se mil rahi hu. अच्छा 67 उम्र में। अरे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इतना अच्छा लग रहा है। थैंक यू, सबसे मेरा फेवरेट दिन है ये। अरे थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सपना क्या हुआ? मेरा छा भाई ना मुकेश, हाँ उसने मेरे को छोड़ दिया। क्यों? हाँ मैंने उसको बोला भारत तक छोड़ दे, उसने छोड़ दिया। ऑटो का भी धंधा चालू किया ना उसने। अच्छा, तो रो क्यों रही है फिर तू? वो तो मैं कांदा काट रही थी इसलिए आंखों से पानी आ रहा है। डांस मेरी रानी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। वाह। हाय हाय, हाउ यू? गुड। कितनी अच्छी लग रही है, वेरी नाइस ड्रेस। आपको पता है इस ड्रेस में ना आप कभी भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए उतारना पड़ता है ना। गुड नाइस नोरा। पता है मैं आपकी फैन हूँ। हाँ सच में। थैंक यू थैंक यू। जस्ट स्टे अवे। नो बट रियली शी इज नॉट ओरिजिनल। मेरा क्या हाल कर दिया जिंदगी में। शी इज नॉट ओरिजिनल। ओरिजिनल करप्शन। और बोल मेरे को ऐसा कॉस्ट्यूम पहना दिया कि इनके साथ फ्लर्ट करना पड़ेगा। क्या इसने मेरा कर दिया? और अंदर की जो आत्मा है वो इनके साथ फ्लर्ट करना चाहती है। हाय क्या करें, पैसा इतना मिलता है। नोरा You're very beautiful. Thank you. Very pretty. Oh, thank you. Very gorgeous. Guruji, you're not pretty. You're not beautiful. अगर आप बोलोगे तो मेरा चलेगा, ना भी बोलोगे। No, no, you're very handsome. Oh, thank you. You are from Morocco, ना? Canada, Morocco. Canada, Morocco. यार ये Canada, Morocco की लड़कियाँ कितनी खूबसूरत होती हैं कप्पू। ये कनाडा और मोरक्को में पैदा होने का क्या प्रोसेस है? मैंने आपके सारे गाने देखे लिए, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ना आप ना अपना गाना है ना नोरा जी कंप्लीट किया करो, कंप्लीट नहीं होता है। क्यों? अब जैसे साकी साकी, हाँ। उसको ऐसा होना चाहिए साकी साकी नाका नाका साकी नाका, ऐसा कंप्लीट तो करो। और साकी नाका वाले बहुत टेंशन में। अच्छा। बोलते हैं इन्होंने तो हमारा नाका ही गायब कर दिया है। साकी साकी पे। खैर आपके भी गाने मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत you. गाने कर रहे हैं ना आप। थैंक यू थैंक यू। बहुत पैसा आ रहा है। आपको पता है मेरा बचपन से सपना था
कि मैं ना बड़े होके बहुत सारा पैसा कमाऊं और नोट के ऊपर मेरा फोटो छपे। अच्छा, ऐसे सपने देखेंगे तो कहां से पूरे होंगे तेरे? अरे सपना मेरा पूरा हो गया है, ये देख नोट पे मैंने फोटो छपवा नहीं है। अरे हाँ, देखो लेकिन अर्चना जी एक ही प्रॉब्लम है, क्या? ये मार्केट में चलता नहीं है किधर, आप चलवा लो इसको। ऊपर 2000 लिखा हुआ है, नीचे 10,000 लिखा हुआ है। तेरे को पुलिस ने पकड़ लिया तो कितने झोल कर रही है तू? अरे वही तो, अरे पुलिस ने पकड़ दिया तो बहुत मजा आएगा, 2 साल की जेल है। तो जेल में मजा किसका? अरे जेल में खाना पीना रहना सब फ्री में। हाँ अरे yeah. और पुलिस वाले ना मस्त डंडा मार के ऐसे फ्री में टैटू भी बना के देते पूरे बॉडी। इधर उधर की बातें क्यों कर रही है तू? काम की बात करना है मेहमानों के साथ। हाँ एक्चुअली मैं काम से आई ली हूँ। अच्छा। मैं ना आपको वो लिक्रिक्स देने के लिए आई थी। क्या? गानों के लिक्रिक्स रहती है ना, लिरिक्स होता है, लिक्रिक्स कुछ तो रहता है वो। हाँ तो वो आपके गाने सुनती है ना, मैं तो मैं आपको लिक्रिक्स दे रही हूँ। ठीक है, ये गुलाम दे रही हूँ मैं। गुलाम उनको क्यों दे रही है? अरे सारे गाने वो रानी पे बनाते हैं। बन जा तू मेरी रानी, नाच मेरी रानी, डांस मेरी रानी, बीमारे मेरी नानी। रानी के बीच में नानी कहाँ से आ गई? मेरी नानी बीमारे। क्या हुआ नानी को? मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी नानी ना आज सुबह बाथरूम में गई, लेकिन जैसे नानी बाथरूम से बाहर निकली वो ना ऐसे करके बाल सुखाने लग गई अपने। ऐसा फिर मेरे को लगा नानी ठीक है, लेकिन उसके बाद नानी ने जैसे चाय की चुस्की ली वो ऐसे करके ऐसे गिर गई। क्या बेहोश हो गई थी नानी? नहीं नहीं वो टीवी देख रही थी, हमारे टीवी ऊपर लगे रहे। तेरी नानी को हुआ क्या है? नजला हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। आप लोग इतने टेंशन काहे को ले रहे? खैर कहा हम अपनी बातों में लग गए, आपकी बात करेंगे। आप लोग का एल्बम देखा, बहुत मजा आया मेरे को उसमें। आप वो ऐसा नेट वेट लगा के कोई मछली विछली बने ना? मछली नहीं, मरमेड बनी है वो। अरे आप मरमेड है? अरे वाह, मैं पोस्टपेड हूँ। हाँ मैं जब तक काम नहीं करती ना मेरे को पैसा नहीं आता। और अर्चना जी तो प्रीपेड है। कैसे? जब तक इनके अकाउंट में पैसा नहीं जाता ना ये अपनी वैनिटी से बाहर नहीं निकलती। क्यों उनका टाइम वेस्ट कर रही है मेहमानों का तू? नहीं नहीं मैं कपूर टाइम वेस्ट करने नहीं आई हूँ, मैं तो आप लोग को एंटरटेन करने के लिए आई थी। अच्छा। हाँ मेरे को ना हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। क्या? निकाल के दिखाऊं? हाँ। अभी तक ना हेलीकॉप्टर इधर से ऐसा जाएगा। ठीक है, ऐसे तो मैं भी जहाज की आवाज निकाल लेता हूँ। कौन तू? हाँ कैसे निकाल के दिखा? मेरा माइक ऑन करना, ये क्या करवा रही है? ओके okay. अच्छा तू मेरे से करवा सकता है, मैं तेरे से नहीं करवा सकता। कमाल है ये। ले फिर सुन जहाज की आवाज। हाँ ओके okay. हे ईश्वर मुझे शक्ति देना। नाइस। क्या बात है कप्पू। आप लोग सब सोच रहे हम ये सब क्या हरकतें कर रहे हैं। एक्चुअली राजा मौली जी आए थे ना कल के एपिसोड में, तो इसीलिए हम लोग हवा में उड़ रहे हैं। नहीं नहीं एपिसोड हमने कल शूट किया है, लेकिन टेलीकास्ट वाइज वो कल आने वाला है संडे को। हम लोग ऐसे कभी कभी सूचना भी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा चल मैं आप लोग के लिए मसाज लेकर आई हूँ मेन। आप इनका गाना कितना हिट था, हाय गर्मी। हाँ तो हाय गर्मी मसाज है मेरे पास में। क्या है इसमें? इसमें कह रहे थे कस्टमर आता है, जैसे आता है मैं उसको पूछती हूँ तुम किधर रहते हो, वो कहता है कि मैं अंधेरी में रहता हूँ। वो मुझसे पूछता है तुम किधर रहती हो, मैं बोलती हूँ मैं नाला सुपारा में रहती हूँ। फिर मैं उसको पूछती हूँ आपके घर में कितने मेंबर है, वो बोलता है मेरे घर पे 5 मेंबर है। वो पूछता है आपके घर पे कितने मेंबर है, मैं बोलती हूँ मेरे घर पे 2 मेंबर है। इतने में ना उसको कस्टमर को मैसेज आता है ऐसा, वो मैसेज देखता है उसके दोस्त का और उसको हाय भेजता है और उसको फोन लगाता है, बोलता है हाय तू किधर है, वो बोलता है हाय घर में। आप जोक मत देखो, आर्टिस्ट का स्पीड देखो। है कि नहीं? वाओ। और आपको पता है ये जो इसने बोला है सिर्फ 21 साल में सीखा है। मैंने तेरे प्लेन की तारीफ की थी ना। तेरा हेलीकॉप्टर भी अच्छा था। अच्छा। फिर मैं चलती हूँ।
आपके एल्बम के लिए जोर से। एक बार जोरदार तालियां हो जाए गुरु और नोरा के लिए। आइए गुरु नोरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत मजा आया। मैं तो कहता हूँ हर महीने गाना निकाला करो आप। आप दोनों जब आते हो चार चांद लग जाते हैं। बड़ा मजा आता है। थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इनवाइट करने के लिए। और थैंक यू। एक इस शो की बात बताना चाहता हूँ कि हम बहुत शोज पे जाते हैं, बट कई बार जब मैं वेडिंग्स पे परफॉर्म कर रहा हूँ, कभी एयरपोर्ट पे हूँ, तो एक ही चीज सब जने आगे बोलते हैं कि आपको कपिल शर्मा के शो पे भी देखा था। वाओ, आई थिंक दैट्स द ब्लेसिंग्स हैं ऑलवेज ऑलवेज। ऐसा कमेंट और किसी शो से नहीं आता, तो आपका बड़ा बड़ा थैंक यू ब्रो। लव यू। थैंक यू। थैंक्स लॉट। थैंक यू मैन। तो दोस्तों नए साल की आप सभी को ढेर सारी बधाइयां। 2022 आपके लिए खुशियों से भरा हो। आप सेहतमंद रहें, खुश रहें, और आजकल सभी जगह सेलिब्रेशन का माहौल है, तो भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गुड नाइट। शुभ रात्रि। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.